बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इट्स लेक्चर नंबर 8, उसका पार्ट 4 देखें, चैप्टर 2 का, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन। हमने डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस और उनकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, जिसकी फर्दर 2 टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप है जी इसकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और सेकेंड टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हम डिस्कस करेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। फर्स्ट देखें डेफिनेशन, व्हाट इज़ डेफिनेशन। अ रिएक्शन इन विच वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज डिफाइंड एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सम मेटल रिएक्ट्स विद एसिड बेसिस और इवन वाटर टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस। जैसे कि आपको एग्जांपल में नज़र आ रहा होगा। बिफोर गोइंग टू डिस्कस द एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में ये डेफिनेशन कहती है कि अगर एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी भी रिएक्शन के अंदर दूसरे ग्रुप ऑफ एटम या एटम को डिस्प्लेस कर दे या रिप्लेस कर दे, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखें, जिंक और HCl। जिंक एक एलिमेंट है जो कि कंपाउंड HCl के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। इसी तरह सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन से रिएक्शन है। द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट रिप्लेसेस द एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी इससे हमें पता चला कि किसी भी रिएक्शन में अगर एक एलिमेंट रिप्लेस कर दे दूसरे एलिमेंट को किसी भी कंपाउंड में से, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। और अगर ये रिप्लेसमेंट किसी एक सिंगल एटम की हो तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल ले रहे हैं हम आयरन और कॉपर सल्फेट की। आयरन Fe सैम्पल है, कॉपर सल्फेट का CuSO4, इट्स अ कंपाउंड। यहाँ पर जी देखिए, कॉपर जो है वो रिप्लेस हो रहा है आयरन से, और एज अ रिजल्ट FeSO4 या आयरन सल्फेट बनता है अलॉन्ग विद द कॉपर आयन। कॉपर अलग से हमें सेपरेटली हासिल होता है, बिकॉज दिस कॉपर कॉप इन कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय आयरन विच इज़ मोर रिएक्टिव। ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। एज अ रिजल्ट इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यानी एक आप कह रहे हैं बहुत रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे कम रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड में अगर अपनी जगह बना लेता है तो उसको हम कहते हैं जी, और अगर ये एक एटम का रिप्लेसमेंट हो तो उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। अच्छा, जिसकी फर्दर अगर आप एग्जांपल देखें जिंक और कॉपर सल्फेट में, तो जिंक एक एलिमेंट है, कॉपर सल्फेट कंपाउंड है। जिंक क्या करता है, अगेन कॉपर को रिप्लेस करके जिंक सल्फेट और कॉपर बना देता है। अगेन इस इक्वेशन में देखें, जिंक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है जो कॉपर को रिप्लेस कर रहा है कंपाउंड में से। हिंदू जिंक एक एलिमेंट था जिसने कंपाउंड में से इसको रिप्लेस किया, और एज रिजल्ट जिंक सल्फेट और कॉपर्स हमें हासिल हुए। तो ये रिएक्शन अगेन इज अनदर टाइप ऑफ सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको समझ आ गई होगी इसकी। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, व्हाट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि दो तरह के रिएक्शंस हैं, सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी डेफिनेशन देखें, द रिएक्शन इन विच एलिमेंट्स आर एक्सचेंज बिटवीन टू कंपाउंड्स आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिनमें जो एक्सचेंज होती है वो दो कंपाउंड्स के दरमियान में हो। ठीक है जी, दोनों कंपाउंड्स एक्सचेंज करें अपने पार्टनर्स को एक रिएक्शन के अंदर, ठीक है, और दो नए कंपाउंड्स बने एज ए रिजल्ट, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखें, यहाँ पे सोडियम सल्फेट एक कंपाउंड है, Na2SO4 इसका फार्मूला है। बेरियम क्लोराइड इज अनदर कंपाउंड जिसका फार्मूला है BaCl2, और ये इसमें सोडियम रिप्लेस कर रहा है बेरियम को, और एज ए रिजल्ट ये बना रहा है बेरियम सल्फेट BaSO4। जबकि यहाँ पे सोडियम सल्फेट के अंदर बेरियम उसको सोडियम को रिप्लेस करके बना रहा है जी सोडियम क्लोराइड NaCl।
क्योंकि इसमें दोनों कंपाउंड्स ने एक्सचेंज किए देयर पार्टनर्स और एज अ रिजल्ट न्यू कंपाउंड्स बनाए। इसलिए इस टाइप के तमाम रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपने तमाम टाइप्स केमिकल रिएक्शंस की अंडरस्टूड कर ली होगी। आपका होम टास्क है लर्न ऑल डेफिनेशंस। थैंक्स।